स्वागत है दोस्तों आप सभी का ड्रीम फैंटसी चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा नीदरलैंड वर्सेस यूएई की टीम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी 3.5 घंटे पड़े हैं और मैं केवल ही आखिरी के कुछ आवर्स में ही आपको टीम प्रोवाइड करता हूं, जस्ट बिकॉज कि हमें बेस्ट 11 मिले ताकि हम सारी न्यूज़ देख पाएँ कि कौन सी आज दोनों टीम्स में प्लेइंग 11 खेलेंगे। तो आपको मैं हमेशा ही लास्ट में प्रोवाइड करता हूँ वीडियो और आप हमेशा मेरी आखिरी में वीडियोज़ देख लेते हो। तो आज दोस्तों आपके पास ये भी पता है कि केवल एक ही मैच है, तो आज हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है क्योंकि हर दिन में 4-5 मैच होते थे और हमें भी पर आर हर मैच पर देना पड़ता था। तो आज हमें भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ टीम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास दो चॉइस है, वैसले बैरसी और दूसरी तरफ गुलाम शबीर। शबीर अभी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए यूएई के लिए, नए प्लेयर हैं, तो हम यहाँ वैसले बैरसी को जाएंगे। बैरसी बहुत टाइम से खेल रहे हैं नीदरलैंड का, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बैट्समैन की बात है तो यहाँ शईमान अनवर ये नंबर 3 पे आते हैं, वाइस कैप्टन है यूएई के, बहुत अच्छे परफॉर्मर है बैटिंग में ये। तो यहाँ हम दूसरी तरफ नीदरलैंड के बेन कूपर को ले लेते हैं। बेन कूपर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे टूर में इन्होंने कुछ अच्छा किया नहीं था, 3 मैच की सीरीज़ थी तो इन्होंने उनके खिलाफ तो कुछ अच्छा किया नहीं था, बट यहाँ हमारे पास चॉइस नहीं है। और स्टीफन मेबर्ग का आपको मैं बता दूं, इनके अभी हैंड में इंजरी है तो कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आपको मैं दिखा दूं कि इनको 84% लोगों ने ले रखा है, जस्ट इन केस अगर ये खेलते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा कि आज के मैच में खेल रहे हैं, तो आप लास्ट के कुछ मिनट्स में चेक कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैं मोहम्मद उस्मान को भी ले रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं यूएई के। यहाँ से मैंने 2 बैट्समैन ले लिए यूएई के। मैं आपको दूसरा बैट्समैन नीदरलैंड का बता दूं तो यहाँ हमारे पास 2 चॉइस है, हमारे पास शकीब जुल्फ़िकार भी है, हमारे पास सिकंदर जुल्फ़िकार है, दोनों ही अच्छे परफॉर्मर है। आप चाहो दोनों में से किसी को भी ले लो, यहाँ मैं सिकंदर जुल्फ़िकार के साथ जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास 2-2 बैट्समैन दोनों टीम के कम्प्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो आपको बता दूँ पीटर बोरन नीदरलैंड के कैप्टन है, नंबर 5 पर खेल रहे हैं या 4 या 5 पर, बट इनका परफॉर्मेंस रिसेंटली अभी अच्छा नहीं है। तो यहाँ मैं रोहन मुस्तफ़ा के साथ जाऊँगा। रोहन मुस्तफ़ा 10 ओवर्स कंप्लीट करते हैं बॉलिंग में, साथ ही साथ नंबर 6 पर खेलने आते हैं, बट इनकी बॉलिंग बहुत ब्रिलियंट है, कैप्टन है यूएई के, तो कम से कम आज ये 2 या 3 विकेट्स तो मिनिमम लेंगे और लास्ट में बैटिंग करने आएंगे तो वहाँ पे भी 20-30 रन्स ईजिली स्कोर कर लेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से मैं लोगन वैन बिक को पिक कर रहा हूँ। इनका आप रिसेंटली परफॉर्मेंस देखोगे तो इन्होंने भी मिनिमम हर मैच में 1 विकेट लिए हैं और कम से कम इन्होंने हर मैच में 30 से 40 का स्कोर मिनिमम किया है, तो ये अभी तक इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मर है लोगन वैन बिक की। तीसरा आपको बता दूं तो यहाँ मैं मोहम्मद नवीद को ले रहा हूँ। आप चाहो तो नावेद की जगह भी कोई और ले सकते हो, बट इन लास्ट हमें क्रेडिट प्रॉब्लम भी आएगी तो यहाँ मैं नावेद के साथ जाना पड़ता है। बोरन भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, बोरन भी आप पिक कर सकते हो। आपके पास अमजद जावेद भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इनको भी पिक कर सकते हो, बट यहाँ मेरे को नावेद के साथ जाना पड़ेगा। बॉलर्स आपको बता दूँ मैं तो यहाँ मैं पॉल वैन मिक्रेनन को ले रहा हूँ। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी नीदरलैंड के, इनके सिर्फ यही एक ऐसे बॉलर हैं जिन पे कहा जा सकता है, मतलब कि जो बॉलिंग में विकेट्स पिक करते हैं। तो यहाँ मैं पॉल वैन मिक्रेनन के साथ जा रहा हूँ। शेन स्नेटर, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट जिम्बाब्वे टूर, तो यहाँ से मैं दूसरा स्नेटर को ले रहा हूँ। और तीसरा मैं अहमद रज़ा जो कि यूएई के हैं, इनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अभी आप देख पा रहे हो क्रेडिट्स हमारे पास 0.5 सेव है, तो आप 9.5 तक का कोई पिक कर सकते हो कोई प्लेयर, बट यहाँ हम नावेद की जगह बोरन को ले नहीं पाएंगे। फिर भी इन केस अगर आपको बोरन पिक करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशंस करनी होगी, आप देन शेन स्नेटर की जगह। तो दोस्तों इस मैच में ज़्यादा न्यूज़ तो आई है अभी तक कौन सी प्लेइंग 11 होगी, तो हम यहाँ ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि अगर हमारा कोई भी प्लेयर मिस हुआ तो रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। स्टीफन मेबर्ग का आपको मैं बता चुका हूँ, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है इनकी। बोरन का मैं आपको बता दूँ कितने परसेंट, 70% लोगों ने इनको भी पिक कर रखा है, बट ये 3 ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ ले चलता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको रोहन मुस्तफ़ा को कैप्टन देना चाहूँगा। उससे बता दूँ इन्होंने अभी तक इसका हमने प्रीव्यू देखा है तो इन्होंने हर मैच में मिनिमम 2 से 3 विकेट्स पिक किए हैं जो कि बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ ये नीचे खेलने आते तो कम से कम 20+ स्कोर तो मिनिमम करते ही करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपको दूसरी बात बता दूँ कि यहाँ नीदरलैंड मैच खेले जाने वाला है, नीदरलैंड की पिच बॉलिंग ज़्यादा फ्रेंडली होती है, बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती है। यूएई की पिचेस फ्लैट होती है तो वहाँ बैटिंग इजीली होती है, बट ये यूएई की पिच है, नीदरलैंड की पिच है, नीदरलैंड की पिच में ज़्यादा बैटिंग अच्छी नहीं होती, तो आप यहाँ ऑलराउंडर्स ज़्यादा पिक करो कैप्टन वाइस कैप्टन में। दूसरे मैं आपको बता दूँ मैं लोगन वैन बिक के साथ जा रहा हूँ, ये भी सेम
बॉलिंग भी करते हैं साथ साथ बैटिंग भी करते हैं, और दोनों में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है अभी तक का। अगर आप इनके कोई मल्टीपल टीम्स बना रहे हो तो आपको बता दूं आप शाइमान अनवर को भी वाइस कैप्टन दे सकते हो। ये भी अगर बैटिंग में अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें इनके भी बहुत अच्छे पॉइंट्स ग्रैब होंगे। आपको बता दूं ये बॉलिंग नहीं करते तो हमें केवल इनकी बैटिंग के साथ ही जाना पड़ सकता है, जो कि रिस्की हो सकता है। अगर आप ग्रैंड लीग्स में जा रहे हो तो आप इनको भी वाइस कैप्टन दे सकते हो। हमारे पास और कोई ऑप्शंस हैं नहीं यहाँ पे, तो एक बार मैं आपको फिर भी प्रीव्यू दिखा देता हूँ अपनी टीम का। तो दोस्तों देख पा रहे होगे कि विकेट कीपर में मैंने नीदरलैंड के साथ गया हूँ, फिर मैंने दो बैट्समैन दोनों टीम से ले रखे हैं, शाइमान अनवर और मोहम्मद उस्मान जो कि यूएई से है, और बेन कूपर और सिकंदर सुल्फिकार जो कि नीदरलैंड से है। फिर मैंने तीन ऑलराउंडर्स पिक किए हैं, लोगन मैनबिख नीदरलैंड से और मोहम्मद नावेद और रोहन मुस्तफ़ा। रोहन मुस्तफ़ा कैप्टन है अपनी टीम के, यहाँ से मैंने दो ऑलराउंडर्स यूएई के ले रखे हैं। फिर मैंने दो बॉलर नीदरलैंड के ले रखे हैं और एक बॉलर यूएई का ले रखा है। दोस्तों परफेक्ट टीम है, आप इसी टीम के साथ जाओगे बहुत अच्छा जीतोगे। तो आपसे हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तो चलते हैं दोस्तों।